हेलो गाइस, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने जाना था लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर कि हम वेबमिनल के अंदर कैसे साइन अप कर सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे लॉग इन कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें प्रैक्टिसेस करना है कमांड का, तो ऑफकोर्स हमें टर्मिनल का ही यूज़ करना है, लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ वो ऑनलाइन टर्मिनल आपको प्रोवाइड करता है ये भी जानना बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो उसके बाद आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोकैल्क ऑनलाइन लिनक्स टर्मिनल के बारे में। ये भी बहुत बढ़िया है जहाँ पे आप इनबिल्ट एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज सिंपली हम जानने वाले हैं कि कोकैल्क पे आप साइन अप कैसे करेंगे, कैसे वहाँ पे आप टर्मिनल को एक्सेस करेंगे, और इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपको बहुत ही मदद करेंगी। कमांड मैं वेबमिनल पे प्रैक्टिसेस करूँगा, आप चाहे तो कोकैल पे कर सकते हैं, आप चाहे तो जेएस लिनक्स पे कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉपी डॉट एस एस पे कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कमांड को फॉलो कीजिए। ठीक है, सेम कमांड आपको हर जगह हर लिनक्स टर्मिनल पे यूज़ होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कोकैल्क। यहाँ पे जाऊँगा तो जैसे ही आप कोकैल को ओपन करते हैं आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर टर्म एंड कंडीशंस को इनके एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस को डालिए। मैं सिंपली यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस को डालूँगा पासवर्ड, अगर आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली पासवर्ड रखूँगा। ओके, आप अपना नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे टेक मुडली ही रखता हूँ जो कि मेरे चैनल का नाम है, और यूट्यूब कर देता हूँ, ठीक है, जो लास्ट नेम में देख सकता है। मैं यहाँ साइन अप पे क्लिक कर दूँगा। ऑलरेडी हम साइन अप हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप व्यू योर कोकैल्क प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, वैसे आप अपने उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको सेटिंग मिल जाते हैं। ओके, यूज़र नेम आप सही कर सकते हैं, वेरिफिकेशन अगर आप नहीं हुआ है तो सेंड वेरिफिकेशन ईमेल करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एपीआई की को रिवील कर सकते हैं, अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हैं जो आप ऑफ कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉन्ट साइज, इंटरवल, इंडेंट टाइम साइज, सॉरी, ओके, अवतार सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। राइट, यहाँ पे आप लाइसेंसेस, परचेसेस, अपग्रेड्स, एसएसएस की ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं सिंपली प्रोजेक्ट से जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा और वो प्रोजेक्ट नाम रखूँगा मैं माय लिनक्स क्यूब्स। ओके, और यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। फ्री ट्रायल, इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस ये लोग बताएंगे कि परफॉर्मेंस जो होती है वो बैड होती है, तो आपको फ्री ट्रायल पे ही रहना है, हमें सिर्फ कमांड को प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको बोलूँगा कि वेबमिनल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोकैल्क पे क्या है कि बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, जिसलिए मैं आपको कोकैल्क को एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ न्यू पे क्रिएट कीजिए और माई फर्स्ट लिनक्स करके एक पीसी क्रिएट कीजिए, एक ओएस क्रिएट कर रहे हैं आप। ठीक है, एक तरह से आप एक वर्चुअल पीसी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चूज़ कीजिए कि आपको किसके साथ बनाना है, लिनक्स टर्मिनल या लिनक्स ग्राफिकल। मैं ग्राफिकल वाले को रखता हूँ क्योंकि इसमें टर्मिनल भी मिल ही जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप स्टार्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये ऐसे आपको इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप टर्मिनल आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे टर्मिनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एलएस लिखिए और आपको
एक फाइल मिलेगा जो कि यूज़र नेम का जो फाइल बनता है विंडोज़ के अंदर, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी बन रहा है क्योंकि हमारे लिनक्स का जो नाम है वो है माई फर्स्ट लिनक्स। ओके, और यहाँ पे हम सीडी करके रूट में जाएंगे, रूट एक फोल्डर होता है, एलएस करेंगे, डरा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक तरह की डायरेक्टरी होती है, ठीक है, जैसे हमें ड्राइव्स मिलते हैं विंडोज़ के अंदर वैसे यहाँ पे डायरेक्टरीज मिलती हैं, बात बराबर ही है। यहाँ पे आप रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं, ठीक है, एल सी डी करके आप किसी भी यहाँ के फोल्डर में जा सकते हैं, जैसे बीन है तो उसके डायरेक्टिव के अंदर जा सकते हैं, और यहाँ पे आप एल एस करेंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे विंडोज़ में आप देखे होंगे कि विंडोज़ के अंदर बहुत सारे एप डेटा के अंदर बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं, ये वो फोल्डर्स और फाइल्स होते हैं जो आपके विंडोज़ को रन करने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही ये लिनक्स को रन करने में मदद करते हैं, और ये आपको फिजिकल मशीन पे, वर्चुअल मशीन पे या फिर ऑनलाइन टर्मिनल में हर जगह आपको ये सारे फोल्डर मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसको आप डिलीट भी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको एडमिन एक्सेस चाहिए। और ऑनलाइन टर्मिनल में यही फ़ायदा है कि आपको एडमिन एक्सेस होता नहीं है, तो इसका एक ड्रॉबैक भी है कि आप बहुत सारे कमांड रन भी नहीं कर पाते हैं, और इसका एक जो फ़ायदा है कि आप इसको डिलीट नहीं कर पाते हैं, गलती से भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ टर्मिनल को एक्सप्लोर कर लिया, अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे है विजुअल स्टूडियो कोड, अगर मुझे इसको रन करना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली फाइल पे जाऊँगा, यहाँ ओपन फोल्डर कीजिए, ठीक है, यूज़र में नहीं डेस्कटॉप पे चले जाइए, ठीक है, ओके, यहाँ से आप कहीं भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एक फोल्डर बना दीजिए, फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए वो आप ऐसे तय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ से कट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इनबिल्ट एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, जैसे फायरफॉक्स यूज़ करना है तो आप फायरफॉक्स पे क्लिक कीजिए, और एक साथ आप बहुत सारे एप्लीकेशंस भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस को ओपन करना चाहता हूँ, लिब्रे ऑफिस यहीं पे मिलेगा, मैं इस पे सिंपली लिब्रे ऑफिस भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ आप देख रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है ये, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो टर्मिनल का है, तो ऑफ कोर्स हम इसको ही एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आप लिनक्स के कमांड को प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ऑफ कोर्स फॉलो कीजिए, वहाँ पे डेली हम वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं जो आप ही के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर हमारे मेहनत को देखना चाहिए, एटलीस्ट अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं तो।